आज जिस तरह से क्रिकेट की तरफ युवाओं की रुचि दिन ब दिन बढ़ती जाती है, चाहे उम्र जो भी हो, खेल तो ज़रूरी है। बीते ही दिन यंग स्टार्स क्रिकेट लीग सीजन 2 का आयोजन किया गया, जहां पर देश के अलग अलग राज्य के युवा अपनी प्रतिभा दिखाई और आयोजक राहुल अरोड़ा को धन्यवाद किया। दिनांक 3 मई 2019 दिन गुरुवार को फाइनल हुआ, जिसमें महाराष्ट्र पैंथर्स टीम को शानदार जीत हुई। यंग स्टार्स क्रिकेट लीग सीजन 2 का समापन समारोह बहुत ही धूमधाम से हुआ, जिसमें हरियाणवी गायक अक्की कल्याण, वाईसी गुज्जर एवं टिकटॉक फेम प्रांजल दहिया अपने गाने और डांस से शाम को शानदार शाम बना दिया। महाराष्ट्र पैंथर कब से खेल रहे हो गए समथिंग 3 महीने। कैसा लग रहा है ये लीग खेली आप लोगों ने? अच्छा लग रहा है। कैसा कंपटीशन है? टफ है कॉन्फिडेंस। जो दूसरी टीम है उसको तो मैं पहचानते नहीं उतना, लेकिन कुछ ऐसे दो हैं जो जिनके साथ मैं खेल चुका पहले वाईसीएल, तो आप देखो मैच के बाद ही पता चलेगा कैसे खेलते हैं। जनरेशन भी अच्छी है, हम आपको नए नए क्रिकेटर भी मिलेंगे इस चीज़ के लिए, अच्छी बात है। और कंपटीशन चाहिए तो क्राउड थोड़ी कम है, धूप की वजह से भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत, बट थोड़ा शाम को तो ज़्यादा अच्छा होता और क्राउड आता, तो अच्छा है, सपोर्ट करेंगे। क्रिकेट के लिए मेरा यही कहना है कि जितने भी यूथ, जो यंग स्टार क्रिकेट लीग हो रही है ये, तो जितने भी हैं वो खेलते रहे, करते रहे, कभी रुके ना। अगर मान लो कि बहुत सी लीग्स होती है सिलेक्शन नहीं भी हो पाता, पर वो निराश ना हो कभी, बस खेलते रहे, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मेरा तो ये कहना है। क्रिकेट देखना शुरुआत से बहुत ही ज़्यादा पसंद था एज अ व्यूअर, और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो आप सबको पता ही है कि मैं रैपर हूँ। मेरी जो शुरुआत से बचपन से रुचि रही है वो म्यूज़िक के अंदर रही है। बाकी यहाँ पर बैठ के देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा लाइव देख रहा हूँ स्टेडियम से, तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर आके मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि यंगस्टर्स को जो है पुश दिया जा रहा है, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था, तो ये और भी अच्छी बात है। देखिए, यंग स्टार्स क्रिकेट लीग को हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिन प्लेयर्स को जगह नहीं मिलती कहीं खेल पाने की, और कुछ फाइनेंशियली वीक होते हैं और खेल नहीं पाते आगे के लिए, तो उन प्लेयर्स को हम यहाँ पे मौका देते हैं, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम उनको स्पॉन्सर करते हैं। अब जो नेक्स्ट सीज़न हम कराने जा रहे हैं, पहले हम दिल्ली और यूपी तक ही सीमित थे, अब हम 23 स्टेट्स में यंग स्टार्स क्रिकेट लीग को लेकर जा रहे हैं, और 23 स्टेट्स में अब से यंग स्टार्स क्रिकेट लीग होगी, और इसका सीज़न 3 आज सीज़न 2 का फाइनल है, और सीज़न 2 का फाइनल होते ही रजिस्ट्रेशन हमारी वेबसाइट www.ysilindia.com पर ओपन हो जाएंगे। जो भी प्लेयर अक्रॉस इंडिया इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो रजिस्टर कर सकता है। इसके अंदर हमने 5 एज ग्रुप रखे हैं, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23, अबव 23। अबव 23 भी हमने इसमें ऐड कर दिया कि जिन प्लेयर्स को मौका नहीं मिल पाता है खेल पाने का, और लेकिन उनकी उम्र हो जाती है, उनको भी हम मौका दे रहे हैं। यंग स्टार्स क्रिकेट लीग ऐसा प्लेटफॉर्म हमने तैयार करा है। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, लाइक नॉर्मली गर्ल्स इंटरेस्टेड नहीं होती, बट जो यहाँ पे फाउंडर है मिस्टर राहुल अरोड़ा, उनकी मैंटेलिटी है कि क्रिकेट गर्ल्स में भी लेके जाए। उन्होंने रिसेंटली JMC कॉलेज में भी इंट्रोड्यूस किया था फॉर गर्ल्स, और जैसे यंग स्टार क्रिकेट लीग फॉर मेन हो रहा है, आगे फ्यूचर में फॉर वुमेन भी होगा। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, उसकी अचीवमेंट्स को देख करके महसूस होता है कि जिस लेवल पर वो जाके खड़ा हुआ है वो आने वाले टाइम में इससे बेहतर ही होगा। आप भी कभी ना कभी क्रिकेट में रुचि रखे हैं या उन्होंने खुद से किया है इसका? नहीं, उसने जो किया वो उसका अपना किया है, उसकी अपनी सोच है, उसका अपना दिमाग है, उसके अपने अचीवमेंट्स हैं। उसने मेरा योगदान सिर्फ इतना है कि मैंने उसे हाँ करी है, कभी ना नहीं करी। वो जहाँ आज पहुँचा, जहाँ आज वो खड़ा है, उसके अपने एफर्ट्स हैं, अपनी अचीवमेंट्स हैं। विजेता एवं प्रतिभाशाली युवा को प्राइज ट्रॉफी रवि वर्मा के द्वारा किया गया। यंग स्टार्स क्रिकेट लीग सीजन 3 के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं www.yscilindia.com।